नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा हो तब साया भी साथ छोड़ देता है। चीन को लेकर दुनिया एक खेमे में आई तो पाकिस्तान में भी उसके विरुद्ध आवाज बुलंद होने लगी है। अब चीन के कुछ बुद्धिजीवियों का माथा चीन पर ठनकने लगा है, खासकर जब से चीनी बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान में 100 अरब रुपए का घपला किया है। चीन के प्रति लोगों में संदेह बढ़ गया है। जिस सीपैक के नाम पर चीन पाकिस्तान को जन्नत के ख्वाब दिखा रहा था, आज वह उन्हें अपनी बर्बादी का रास्ता नजर आने लगा है। इसी सीपैक की वजह से पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है। यह ऐसा ख्वाब है जिसका अंत आवाम की तबाही और गुलामी पर होना है। चीन इसमें 46 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, मगर यह सारी रकम चीन को 7% सूद के साथ चुकानी है, जबकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान से ज्यादा चीन ही करने वाला है। भारत और चीन के बीच तनाव ने पाकिस्तान की बंद आंखें भी खोल दी। पाकिस्तान अभी तक इसी मुगालते में था कि चीन एक सुपर पावर देश है। वह इस उम्मीद में चीन के करीब जा रहा था कि वह उसके दुश्मन मुल्क को एक दिन सबक जरूर सिखाएगा। पर आज पाकिस्तान यह देखकर हैरान है कि चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। यानी चीन एक ऐसा खोखला देश है जो बात तो बड़ी बड़ी करता है, मगर उसमें ना जंग लड़ने की कुव्वत है और ना भारत से उलझने की शक्ति है। चीन की हालत देखकर अब पाकिस्तान भी पाला बदलने का मन बना रहा है, लेकिन आज वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। चीन का उस पर इतना कर चढ़ चुका है जिससे अगले 100 सालों में भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का करीब 90 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, जिसे चीन ने 6 से 7.5% सूद पर दिया है। यानी पाकिस्तान न केवल उसके सिकंजे में फंसा पड़ा है, बल्कि वह चीन की कठपुतली भी बन चुका है। ऐसे में चीन के चुंगुल से पाकिस्तान का बाहर निकलना पूरी तरह मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए चीन फूस का घोड़ा साबित हुआ है। जितनी उम्मीद उसने ड्रैगन से लगाई थी, उससे पाकिस्तान में मायूसी पसरी है। अब हालत यह है कि पाकिस्तान में चीन को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा है। कल गवादर पोर्ट के इलाके में रहने वाले मछुआरों ने चीनी श्रमिकों के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उनके औजार तक छीन कर ले गए। इन मछुआरों का आरोप है कि जब से चीन ने गवादर पोर्ट पर कब्जा किया है, उन्हें मछली पकड़ने से रोक दिया गया है, जिससे वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में घुसे चीनी न सिर्फ उन पर दोष दिखाते हैं, बल्कि उनकी औरतों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। सीपैक की बात करें और यहाँ के लोकल माहीगीरों की तहफात के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कामें हो रही हैं, जिससे कुछ कामें ऐसी हैं कि माहीगीरों को तो फायदा होती है, लेकिन कुछ इतनी ऐसी काम हो रही है कि माहीगीरों को उनसे तहफात हैं, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रहा है कि उन तहफातों को बुनियादी तौर पर हल करे। ये थी कि एक्सप्रेस वे रोड जो बन रहा है इस पे यहाँ पर हमारी जो है ये स्पेस थी बीच की, ये तो बीच में आ रहा है जो एक्सप्रेस वे, इससे ये होता है कि हमारी जो है बोटें हैं यहाँ पर इस एरिया में, हमारी 2500 से ऊपर बोटें खड़ी हुई हैं नंगर अंदाज है, उनकी जो है मरम्मत और अनलोड अपलोडिंग के लिए जगह स्पेस नहीं बचेगी इससे। पर मामला यहाँ तक नहीं है। भारत से बराबरी के चक्कर में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पूरे मुल्क को चीनी कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में 15,000 से ज्यादा चीनी सैनिक मौजूद हैं। यह किसी मुल्क में विदेशी सैनिकों की सबसे बड़ी तादाद है, जबकि यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा आम चीनी नागरिक घुस चुके हैं, जिनमें अधिकांशतः चाइना पाक आर्थिक गलियारे और गवादर पोर्ट के निर्माण में लगे हुए हैं। गवादर पोर्ट के इलाके में ही चीन अपने नागरिकों को बसाने हेतु अलग से कॉलोनी का निर्माण भी कर रहा है, जिसका 70% काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इस इलाके में किसी भी पाकिस्तानी को आने जाने की इजाजत नहीं है। चीन ने यहीं पर नवल बेस का काम भी शुरू किया है, जिसका निर्माण अब तेजी पर है। अपने ही नागरिकों पर अत्याचार को देख रही इमरान सरकार पूरी तरह खामोश है, मगर जनता इस बार उबाल खाने लगी है। चीनी बिजली कंपनियों द्वारा पाक में किए गए घोटाले की इमरान ने जांच का आदेश तो दिया, मगर चीन का इतना दबाव बढ़ा कि इमरान को अपना ही आदेश रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ा है। संभवतः अब इमरान को भी कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि चीन का साथ पाकिस्तान के लिए कितना घातक हो रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना काल में अपनी भूमिका के चलते भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। पाकिस्तान की बौखलाहट की असली वजह भी यही है। एक वक्त अमरीका पाकिस्तान का मददगार देश रहा है, लेकिन आज वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है।
पाकिस्तान चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सकता है। चीन से अमेरिका की तनातनी इसकी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका का किंचित समर्थन जिनपिंग को नागवार गुजर सकता है, जिसका सामना करने की उसमें कुव्वत नहीं है। ऐसे में गुलामी की तरफ बढ़ते पाक आवाम को सीपैक के ख्वाब दिखाकर करेले के सूप से निर्मित लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।